नमस्कार, मैं वंश शर्मा। वो कहते हैं ना, जोश जोश में मैं इतना बोल जाता हूँ कि बाद में पता चलता है मैं कितना बोल जाता हूँ। वही हाल इस समय जम्मू कश्मीर में पीडीए पार्टी से इल्तिजा मुफ्ती जी का है। महबूबा मुफ्ती जी की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती जी। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था। दरअसल वे एक इंटरव्यू दे रही थी, गाड़ी में थी। वहाँ पर गाड़ी से नीचे काफ़ी सारे मीडियाकर्मी मौजूद थे, सभी न्यूज़ चैनल के मीडियाकर्मी मौजूद थे। वहाँ पर ANI का भी एक मीडियाकर्मी मौजूद था। ANI के मीडियाकर्मी ने इल्तिजा मुफ्ती जी को माइक दिया, तो इल्तिजा मुफ्ती जी ने माइक हाथ में लेकर के कह दिया, गोदी मीडिया का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, गोदी मीडिया नॉट अलाउड। इस प्रकार से इल्तिजा मुफ्ती जी कहती थी। और आज वही दिन है, इल्तिजा मुफ्ती जी ने ANI के एक मीडियाकर्मी को अपना इंटरव्यू दिया। मीडियाकर्मी मौजूद था, कैमरामैन मौजूद था, दोनों मौजूद थे, और ANI का ही था वो, और उसको ही इल्तिजा मुफ्ती जी ने इंटरव्यू दिया। ANI से इंटरव्यू में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार और पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती का कहना है, लोग बड़ी संख्या में बाहर आए, NC कांग्रेस को साधारण बहुमत मिला, उनके पास अच्छी संख्या है, अब लोग उनसे वादों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द बनेगी। लोगों को उम्मीदें और उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार जल्द से जल्द बनेगी और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ये सब उन्होंने ANI को इंटरव्यू में बोला। हालांकि या तो पहले इल्तिजा मुफ्ती जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गोदी मीडिया नॉट अलाउड, और उस समय उनका माइक वापस नहीं लौटाना चाहिए था। उस समय जब इल्तिजा मुफ्ती ने उनका माइक वापस लौटाया था ना उस ANI के एंकर को, तो भाई एक देखने की बात थी उस समय, क्योंकि जब उसने माइक वापस लिया ना, तो सारे मीडियाकर्मी जितने मौजूद थे ना वहाँ पर और न्यूज़ चैनल के, वो उस पर हंसने लगे थे, एकदम से ही करके हंसने लगे थे सब। और आज वही दिन है, इल्तिजा मुफ्ती जी ने ANI को ही अपना इंटरव्यू दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने रहमार साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।